नहीं ऐसा नहीं था, स्पिनर्स ने भी अच्छी डाली, बट कभी कभी होता है कि आप अच्छी बॉलिंग डालते हो, विकेट नहीं मिलती, और कभी कभी फास्ट बॉलर इतना अच्छे बॉल नहीं डालते बट विकेट मिलती है। तो T20 फॉर्मेट वैसा ही है, फास्ट बॉलर को फुल टॉस में विकेट मिल जाती है, स्पिनर्स को छोटे बॉल पे मेडल नहीं होता, विकेट मिल जाए, ऐसे ऐसे होता रहता है। तो एज ए बॉलिंग यूनिट सब ने अच्छा बॉल डाला, और जब जब हमें विकेट चाहिए था तभी फास्ट बॉलरों ने विकेट दिया, हार्दिक ने ब्रेक थ्रूज दिए, भुवी ने लास्ट में एक ओवर में 2 आउट किए, तो मेरे ख्याल से सभी ने कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला था बट उनका काम था जगह पे एरियाज पे रन लीक नहीं करने, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 15-20 रन अगर आप ज़्यादा दे देते हो तो वो भी आपको भारी पड़ सकता है। प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, आप इंडिया के लिए खेलो तो प्रेशर तो रहना ही है जब तक आप खेलोगे तब तक, बट हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना होता है बैटिंग बॉलिंग, क्योंकि कभी कभी बैटिंग ऐसी सिचुएशन में आती है जहाँ टीम फंसी होती है, वहाँ से आपको मैच जिताना होता है, कभी बॉलिंग भी वैसी सिचुएशन में आती है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा लगता है कि अंडर प्रेशर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करते हो, और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एज ए प्लेयर आप कॉन्फिडेंट मिलता है कि आपने अंडर प्रेशर में परफॉर्म किया है तो आगे आने वाले मैचों में आप और ज़्यादा अच्छा करते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेग स्पिनर बॉलिंग डालते हैं तो लेफ्टी को भेजना ज़्यादा इजी हो जाता है और वो चांस ले सकता है, तो top 7 में मैं ही था लास्ट गेम में, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 देख के पता चला कि उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर है, तो मुझे कभी ना कभी जाना होगा, तो मैं उस हिसाब से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, और लकीली वही टाइम पे मैं गया और टीम के लिए मैंने जो भी रन्स किए वो बहुत ही क्रूशियल थे। वो तो नहीं बता सकते क्योंकि हर एक टीम के ओपोनेंट्स में अलग बॉलर्स होते हैं, अलग बॉलिंग उनका होता है, तो उस हिसाब से प्लान करते हैं। या आई थिंक वी नीड टू मूव बिटवीन द आवर्स क्विकली बिकॉज अदरवाइज वी हैव टू बॉल विद 5 फील्डर्स इनसाइड, सो इट समटाइम इट माइट कॉस्ट द गेम, so we need to work on the you know moving like between the hours we need to move quickly. कुछ नहीं, मैं मतलब ज़्यादा इतना ये सब प्लान नहीं करता हूँ जितना आप इतना डिटेल में बता रहे हैं, बट मैं बस जब भी जाता हूँ तो अपना अच्छा करने को देखता हूँ, सिचुएशन से खेलता हूँ, और T20 में कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सोचना नहीं है, जो भी सिचुएशन बनी हुई है जाके सीधा ही खेलना है, तो बस ज़्यादा इतना मैं सोचता नहीं हूँ कि टेस्ट में बॉलिंग डालता हूँ और फिर बाद में बैटिंग करता हूँ और इधर वाइट में बैटिंग करता हूँ फिर बॉलिंग करता हूँ, इतना ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। मैं सोचता हूँ कि बैटिंग में मुझे रन्स करने और जब भी टीम को ज़रूरत है तो विकेट में ब्रेक थ्रूज देने, बस। आपने तो बहुत छोटी बात की है कि मैं नहीं हूँ वर्ल्ड कप, बीच में तो खबर आई थी मैं मर गया हूँ तो इससे बड़ी खबर तो हो ही नहीं सकती, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं वही जैसे मैंने बताया कि मैं अपना सीधा हिसाब है ग्राउंड पे जाना है और खेलना है और अच्छा परफॉर्म करना है, बस सफलता का बस यही कि नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी जो चीज़ होती है उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और वही मैच में कामयाबी दिलाती है, तो वही है बस, डे इन डे आउट सेम वही प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग बैटिंग फील्ड। Definitely we gonna you know play with the positive mindset, we're not gonna take it lightly because in T20 on a given day anything can happen, so we'll definitely look to play positive and give our best. नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैम्स नहीं आते तो हम हार जाते, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि T20 में लास्ट में तो कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है, तो चाहे कितना भी बड़ा बॉलर हो या कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर हो, तो लास्ट के 2-3 ओवर में कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है, तो मेरे ख्याल से बस वही इंटेंट था कि जितने भी रन आए वो 18-19 तक ज़्यादा रन कोशिश करेंगे ताकि अगर लास्ट ओवर में जितने कम रन बच जाए उतना अच्छा है, और लकीली हमने जो ट्राई किया वही डिलीवर हुआ, और नसीम साहब मतलब अच्छे यंग तेज़ बॉलर है, अच्छे उनको पता है कि उनको कौन से एरियाज में बॉल डालनी है और कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट क्या लाइन लेंथ डालनी है, तो मेरे ख्याल से उनके तीनों फास्ट बॉलर अच्छे थे जो तीनों अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे हैं, तो इतना ईजी नहीं था। माइंडसेट वुड बी लाइक वी लुक टू प्ले पॉजिटिव, यू नो एज ए टीम वी ट्राई एंड गिव अवर बेस्ट इन ईच गेम एंड वी लुक टू फोकस ऑन ईच गेम, यू नो गेम बाई गेम, वी नॉट
thinking too much far ahead about the World Cup. Still we are here, so we are look to play tomorrow against Hong Kong, and after that we don't know which team we're going to play against. ये बिल्कुल ही मुझे नहीं पता है, ये मेरी बुक के बाहर वाला क्वेश्चन है।